हेलो एवरीवन, इस क्लास पे हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस का। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं, कैट की तैयारी कर रहे हैं, या अपनी स्पोकन इंग्लिश को बढ़ाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम जो फॉलो करेंगे हमारी क्लास में, वो ये 21 दिन का एक्शन प्लान है, 21 डेज एक्शन प्लान। और यह जो है बुक इंडिया की पहली रिसर्च बेस्ड बुक है, और इसमें जो इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो स्टूडेंट जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं उनके इंग्लिश सेक्शन में, तो उसमें एक इडियम एंड फ्रेज उनको दिया होता है और चार ऑप्शन दिए होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक या दो ऑप्शन तो ईजिली रिमूव कर सकते हैं, बट बाकी ऑप्शंस में रिमूव करना या फिर सही को सिलेक्ट करना थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि वो काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शंस जो है एग्जामिनर उसमें यूज करते हैं। तो हमारी जो स्ट्रेटजी वो ये रहेगी कि जो भी हम इडियम फ्रेजेस आपको पढ़ा रहे हैं, इडियम फ्रेजेस जो हम पढ़ा रहे हैं आपको, उसका हम आपको हिस्ट्री बताएंगे, उसके वर्ड्स की आपको मीनिंग बताएंगे। जैसे एक idiom है अपना dagger's throat, जिसका मतलब है दुश्मनी। अब आप समझिए कि आप dagger का मतलब समझते नहीं हैं, आप drawn का मतलब भी समझ रहे हैं और आप उसको रट रहे हैं, तो उसको जो रटना है, याद करना है, काफी problematic हो जाता है। यहाँ पे हम आपको बताएंगे, ऐसे dagger का जो मतलब है वो चाकू की नोक है और drawn का मतलब है निकालना। तो ड्रैगर एक चाकू होता है जो काफी शार्प होता है, उसको आप निकाल रहे हैं किसी के लिए, तो मतलब आप दुश्मनी ले रहे हैं, दुश्मनी कर रहे हैं। तो ड्रैगर ड्रोन का मतलब हो गया दुश्मनी। दूसरी बात ये, हम जो है इसमें सेंटेंस यूजेज आपको बताएंगे, क्योंकि अगर एक बार आप उस idiom को कैसे सेंटेंस में यूज किया है अगर वो जान लेते हैं, तो आप उसका मतलब और या उसको आप याद करना आपके लिए काफी आसान बन जाता है। और जो तीसरी जो दिक्कत जो स्टूडेंट्स को आती है वो होती है कि वो अपनी स्टडी को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि इस क्लास में कि रोज आपको कितने idioms याद करने हैं, कैसे याद करने हैं, मतलब आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, उसको व्यवस्थित कैसे करना है। तो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे इस 21 दिन का एक्शन प्लान। यह बुक जो है अल्फाबेटिक ऑर्डर पे नहीं लिखी गई है कि ए के सारे idioms याद कर लो, फिर बी के सारे idioms याद कर लो, फिर सी के सारे idioms याद कर लो। इसमें 21 डेज का एक एक्शन प्लान दे रखा है, ठीक है। और डेज में जैसे डे वन में हम idioms एंड फ्रेजेस लर्न करेंगे, और डे टू पे मतलब इवन डेज में उसमें प्रैक्टिस करेंगे। फिर डे थ्री में अगेन हम 35 के करीब idioms फ्रेजेस याद करेंगे और डे फोर पे उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो हम जल्द अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए डे वन से शुरू करते हैं, जिसमें हमारे पास में 4 सेक्शन है, ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन एंड डी सेक्शन। ए सेक्शन में जो है हम टॉप 11 idioms एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे और उनकी डिटेल एनालिसिस करेंगे। सेक्शन बी में एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं idioms एंड फ्रेजेस की, उसकी एनालिसिस की जाएगी। इसमें लगभग 15 idioms फ्रेजेस को हम लेंगे। और जो सेक्शन सी है उसमें हम ट्री में या ग्रुप में, मतलब एक थीम पे आधारित कितने सारे idioms फ्रेजेस होते हैं वो समझेंगे। और सेक्शन डी जो है हमारा वो है हिस्ट्री या ओरिजिन का है, जिसमें हम समझेंगे कि उस idioms एंड फ्रेजेस का ओरिजिन कैसे हुआ। तो शुरू करते हैं हमारे सेक्शन ए से टॉप 11, और हमारा जो पहला वर्ड है, पहला जो idiom है वो है अ पेनी फॉर योर थॉट। इसका मतलब है, इसका मतलब समझिए, अगर कोई कहता है
कि अ पेनी फॉर योर थॉट, इसका मतलब ये है कि वो आपकी राय जाना जाता है, मतलब आपकी जो है राय पूछी जा रही है। अच्छा, अब मैं आपको इसका सेंटेंस फॉर्म में इसको कैसे यूज करना है वो बताऊंगा। तो इसमें सीता कहती है अ पेनी फॉर योर थॉट अबाउट योर न्यू रूममेट। तो गीता कहती है आई थिंक शी इज वेरी डिसेंट बट समटाइम्स शी एक्ट्स वियर्ड। मतलब सीता ने कहा कि मैं तुम्हारी जो नई रूममेट है उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है वो जानना चाहती हूँ। तो गीता कहती है कि वैसे तो वो डिसेंट है पर कभी कभी वो बहुत अजीब जो है बिहेव करती है। तो अ पेनी फॉर योर थॉट मतलब आपकी राय जानना। इसकी मेमोरी एड में बताता हूं, पेनी, पेनी का मतलब होता है पैसा, सिक्का, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि आप मुझे अपना विचार दो, उसके बदले मैं आपको एक पैसा दूंगी। मतलब आपके विचार दो, मैं उसको अहमियत देने वाला हूं। तो आपकी राय क्या है, अ पेनी फॉर योर थॉट। दूसरा जो हमारा इडियम है वो है सेंटेंस यूजेज, आप जरूर समझ लीजिए और खुद से भी एक सेंटेंस जरूर बना दीजिए। तो बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी, इसका मतलब आप खुद ही मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मतलब दोनों तरफ से आपको आफत है, तरफ से खाई, ठीक है। अब इसका सेंटेंस यूजे समझे, पीपल आर बिटवीन द डेविल एंड डीप ब्लू सी एज बोथ कैंडिडेट्स आर करप्ट फॉर एन इलेक्शन पोल। जो चुनाव हो रहा है उसमें जनता जो है बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि जो दोनों कैंडिडेट्स जो है वो करप्ट है, तो उनको पता नहीं भाई किसको वोट दिया जाए किसको नहीं दिया जाए, तो ये भी खराब है वो भी खराब है, एक नागनाथ और दूसरा सांपनाथ। तो ये हमारा हो गया बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। डेविल का मतलब होता है राक्षस या बुरा इंसान या जिससे आपको खतरा है, और डीप ब्लू सी एक ऐसा ब्लू सी होता है जिसमें तैरना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें बोट बहुत मुश्किल से सेल हो पाती है। तो दैट इज वाई दोनों तरफ से हमारे को दिख रही है कठिन स्थिति, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी। थर्ड जो हम हमारा जो इडियम है वो है कॉल द डॉग्स ऑफ, कॉल द डॉग्स ऑफ। इसका हिंदी में मतलब होता है लड़ाई झगड़ा बंद करना, या इसको अपन ऐसे बोलते हैं कि भाई मिट्टी फेंक इसमें। तो झगड़े को बंद करने को हम बोलेंगे कॉल द डॉग्स ऑफ, झगड़े को बंद करना, टू स्टॉप फाइटिंग। अब इसका हम एक सेंटेंस बना लेंगे, तो राम ने कहा आर यू स्टिल फाइटिंग विद योर बेस्ट फ्रेंड, क्या आप अपने बेस्ट फ्रेंड से अभी भी लड़ रहे हो। तो श्याम कहता है नो आई एम कॉलिंग माई डॉग्स ऑफ, मैंने जो है लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया है, आई डोंट वॉन्ट टू फाइट एनी मोर, मैं अब और लड़ना नहीं चाहता। अब इसको याद करने का मतलब आप समझिए कि डॉग्स जो है वो लड़ते रहते हैं, भौंकते रहते हैं आपस में, तो लड़ना क्या है, झगड़ा क्या है, झगड़े हम क्या करते हैं, एक दूसरे पे चिल्लाते हैं भौंकते हैं। तो डॉग्स ऑफ और ऑफ का मतलब होता है बंद करना, तो झगड़े को बंद करना, भौंकने को बंद करना, लड़ाई को बंद करना, ये हो गया हमारा कॉल द डॉग्स ऑफ। अब चौथा हम जो वीडियो हम लेंगे वो है डाइड इन द वूल। दोस्तों इसका हिंदी मतलब है अपनी सोच व कार्य में पक्का होना, ठीक है, अपनी सोच व कार्य में पक्का होना, मतलब आपके जो बिलीफ है वो फर्म है, अड़िग है आप अपने विचारों में।
इसमें हम सेंटेंस ये है कि रीना वॉज डाइड इन द वूल प्रोफेशनली एंड शी वॉन्ट्स एवरीथिंग टू बी एट इट्स प्लेस. मतलब ये कह रहे हैं कि रीना जो है प्रोफेशनली डाइड इन द वूल है, ठीक है, व्यवसायिक तौर पर डाइड इन द वूल है, क्योंकि वो हर काम बहुत ही अच्छे ढंग से करती है, एक सलीके से करती है. अब इसका नोट समझिए कि ये कहां से आया, क्या चीज है ये. डाई का मतलब क्या होता है, रंगना, ठीक है. और जो वूल का जो अपना जो कलर होता है खुद का, वो होता है परमानेंट, कोई बाहर कलर नहीं, खुद का जो उसका जो कलर है एक परमानेंट कलर. तो अगर कोई चीज जो है रंगाई गई है उसके वूल से ही, ठीक है, तो वो एक परमानेंट कलर कहलाएगी. मतलब परमानेंट चीज, फिक्स चीज जो आसानी से नहीं जाती है. तो ये हो गया डाइड इन द वूल, अपनी सोच व कार्य में पक्का होना. नेक्स्ट जो हम पांचवा हमारा जो इडियम है वो है अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. तो अर्ली बर्ड, ये बहुत सिंपल सा है, इसको आप पढ़ के ही मतलब समझ पा रहे हैं. जो है चिड़िया जो है जो जल्दी उठती है वो जो है कीड़ों को जल्दी खा पाती है. वो मतलब कीड़ा, कीड़े. तो हिंदी में इसका मतलब रहेगा कि जल्दी निकलने वाला ही, या जल्दी करने वाला ही, या जल्दी निकले वो सफल होता है. अब मैं इसका सेंटेंस में इसको यूज करूंगा, आप इसको और बेहतर तौर पे समझ पाएंगे. और आप भी इसका एक सेंटेंस बना लीजिए. आई एम गोइंग टू बुक माई टिकट फॉर सोनू निगम्स लाइव कॉन्सर्ट विच हैज लिमिटेड सीट्स एज द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. यहां पे ये कह रहे हैं कि सोनू निगम का कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, लाइव कॉन्सर्ट, उसकी सीट्स लिमिटेड ही होगी. मान लीजिए 1000 सीट है, तो बेहतर होगा कि मैं जल्दी ले लूं टिकट अपना, क्योंकि बाद में और लोग ले लेंगे. तो इस पूरे प्रकरण को हम बोलेंगे अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म. नेक्स्ट जो है हमारा इडियम है फेदर योर ऑन नेस्ट. फेदर योर ऑन नेस्ट. अब यहां पे तो ये बहुत इजी लग रहे हैं, पर एग्जाम में जब 4 ऑप्शन दिए जाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा कर दिया जाता है. तो इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब है अपने फायदे का, अपने फायदे के लिए पद का दुरुपयोग करना, ठीक है. इसको सेंटेंस में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा मैं. टू मेक योर सेल्फ रिच स्पेशली इन द वे दैट इज डिसऑनेस्ट एंड डिसीटफुल व्हाइल यूजिंग योर पोजीशन. ये इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन है. और सेंटेंस इसमें है द डायरेक्टर वाज सपोज टू डिस्ट्रीब्यूट द मनी टू वेरियस चैरिटीज, इंस्टेड ही यूज्ड इट टू फेदर हिज ऑन नेस्ट. मतलब हमारी कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो जो उनका जो प्रॉफिट है, उनका जो पैसा है, उसको चैरिटी में एक अच्छे काम में लगाना चाहते थे, पर उसकी जगह उन्होंने अपने काम के लिए उसको उस पैसे को मोड़ लिया. फेदर योर ऑन नेस्ट. जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी डिमोनेटाइजेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है, नोटबंदी की जो प्रॉब्लम आ रही है, तो उसमें कई बैंक मैनेजर ने जो नई करेंसी आई है उसको जनता को ना देके खुद ही उसका यूज कर लिया है. तो उस कंडीशन के लिए मैं यूज कर सकता हूं फेदर देयर ऑन नेस्ट. इसका एक नोट इसमें दिया गया है कि नो बर्ड यूजेस इट्स ऑन फेदर टू बिल्ड देयर ऑन हाउस. कि जो चिड़िया जो है अपना नहीं, किसी और का पंख यूज करती है अपने घोंसला बनाने के लिए. नेक्स्ट जो मीडियम हम लेंगे वो है नेम इन द कॉफिन. और इसकी भी मैं आपको मतलब बताऊंगा, इसकी भी मैं आपको हिस्ट्री बता के चलता हूं. देखिए, नेल इन द कॉफिन, नेल इन द कॉफिन का मतलब है विनाश का अंतिम कारण. मतलब किसी चीज की दुर्गति हो ही रही थी, बस एक और उसमें हमने एक काम कर दिया कि वो बस बिल्कुल चला ही गया. तो विनाश का अंतिम व निश्चित कारण. अब आप समझिए इसको
इंग्लिश इसका एक्सप्लेनेशन है, एंड इवेंट कॉजेज द फेलियर ऑफ समथिंग दैट हैड ऑलरेडी स्टार्टेड टू फेल. कोई चीज पहले से ही फेल हो रही थी और आपने उसको लास्टली फेल कर ही दिया. सेंटेंस में समझते हैं इसका मतलब. द लेटेस्ट एविडेंस कुड बी नेल इन द कॉफिन फॉर रामास केस एज वी कैन प्रूव दैट ही एंड हिज फ्रेंड आर इन्वॉल्व्ड इन द चैन स्नैचिंग. मतलब कि एक बंदा है, इसका नाम है रामा, और जो है एक एविडेंस जो पाया गया है, ट्रायल उस पर चल रहा था, पर एक एविडेंस और पाया गया है जिसपे ये प्रूव हो गया है कि वो ही जो है चेन स्निचिंग में इन्वॉल्व था. तो ये हो गया अपना नेल इन द कॉफिन. अब मैं बताता हूं इसका आपको मतलब. नेल का मतलब होता है कील, और कॉफिन होता है जहां पे जो है डेड बॉडी को रखा जाता है, उस डब्बे को हम बोलते हैं. डेड बॉडी को जिस डब्बे में रखा जाता है उसको बोलते हैं अपन कॉफिन. तो जो क्रिश्चियन जो फ्यूनरल सेरेमनी होती है, जो उसमें क्या होता है, जो लास्ट जो राइट होता है कि डेड बॉडी को उस डब्बे में रखने के बाद, उसको ढकने के बाद उसमें लास्ट उसमें कील गाड़ दी जाती है. दैट इज नेल इन द कॉफिन, और इसका मतलब है विनाश का अंतिम व निश्चित कारण. अब हम अपने नेक्स्ट इडियम पे और बढ़ेंगे. दैट इज ओवर एट द पुडिंग. ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत यूजफुल इडियम फ्रेजेस है. इसको आप अपनी बोलचाल में भी यूज कर सकते हैं. ओवर एट द पुडिंग, इसका मतलब मैं बताते चलूंगा आपको, और इसका हिंदी का मतलब है बेहतर. आप इसको लिख लीजिए, बेहतर करने के चक्कर में और खराब कर देना. कई बार होता है ऐसे कि हम लोग कुछ चार्ट बना रहे हैं, कुछ ड्राइंग बना रहे हैं, उसमें और कलर करते जाते करते जाते करते जाते, और वो और खराब होती जाती है होती जाती है होती जाती है. तो बेहतर करने के चक्कर में और खराब कर देना. A little fear, इसका सेंटेंस आप सुन लीजिए. A little fear for exam is good, but don't over egg the pudding during exam. थोड़ा बहुत डर तो सही है एग्जाम के लिए, पर आप बहुत ज्यादा ही डरेंगे, बहुत ज्यादा ही उसको सोचेंगे उसके बारे में बार बार कि मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं, कैसे इसको इम्प्रूव करूं, तो हो सकता है वो चीज और खराब हो जाए. अच्छा, अब ये कहां से आया, इसका मतलब क्या है. पुडिंग बोलते हैं केक, एक केक को बोलते हैं पुडिंग. अगर केक, अगर केक में अगर थोड़ी सही मात्रा में अगर अंडा डाला जाए, एग डाला जाए तो सही रहता है, पर उसमें अगर ज्यादा अगर एग डल जाए तो वो चीज खराब हो जाता है. तो दैट इज बेहतर बनाने चक्कर में और खराब कर देना, ओवर एग द पुडिंग. नेक्स्ट हमारा जो है इडियम फ्रेजेस है वो है पुट योर फुट इन माउथ. पुट योर फुट इन माउथ, इसको आप लिख लीजिए. इसका मतलब है वो बात या काम करना, वो बात या कार्य करना जिससे आपको पछतावा हो या शर्मिंदगी हो. ठीक है, इसको इंग्लिश में कहेंगे टू से और डू समथिंग दैट यू विल रिग्रेट लेटर. अब मैं इसका एक सेंटेंस बनाता हूं जिससे आप चीज को समझ जाएं. इसमें लिखा है, रोहित कहता है दैट गर्ल इज टू गॉर्जियस. अरे वाह, वो लड़की तो बहुत सुंदर है. तो मोहन कहता है बी केयरफुल. अरे सावधान, अरे रुक, शी इज माई सिस्टर, ये तो मेरी बहन है. तो हैज रोहित पुट हिज फुट ऑन हिज माउथ, क्या रोहित ने अपना जो फुट है खुद ही अपने माउथ में रख लिया. तो आप समझ गए. अब मैं इसका नोट बताता हूं कैसे इसको याद करना है. कि फुट गेट्स डर्टी इजीली, जो पैर जो है हमारे जल्दी गंदे हो जाते हैं, और उसको अपन माउथ में रख रहे हैं, मतलब कोई शर्मिंदगी का काम कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं. नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है रस्टी नीडल. रस्टी नीडल का मतलब समझिए दोस्तों, वह चीज जो खराब स्थिति में है, खराब स्थिति में होने के बावजूद बावजूद जो हेल्पफुल हो. समझे, मतलब
रस्टी निडल मतलब खराब स्थिति में होने के बावजूद भी जो हेल्पफुल हो। जैसे मेरा एक बैग है, वैसे काफी फट चुका है, पर तो भी उसमें मैं आराम से अपनी किताबें, अपनी बुक्स, अपनी पेन ले जा सकता हूँ। तो वो हो गया मेरा बैग जो है रस्टी निडल है। अब इंग्लिश में अपन इसका सेंटेंस समझ लेते हैं। आईएनएस विक्रांत इज अ रस्टी निडल फॉर इंडियन नेवी एज इट गेट रीबिल्ट बाय मेल्टिंग इट्स ऑन मेटल। जो एक शिप है आईएनएस विक्रांत, वो एक रस्टी निडल है क्योंकि खराब होने के बाद भी उसको, उसके लोहे को या फिर उसको फिर से रीबिल्ड किया जा रहा है। तो ये हो गया रस्टी निडल। अब इसको याद करने का तरीका समझ लीजिए। नीडल का मतलब होता है सुई, नीडल का मतलब होता है सुई, और रस्टी का मतलब होता है जिसमें रस्ट मतलब जंग लगना। तो देखो सुई में जंग लगी हुई है, सुई में पर जंग लगने के बावजूद उसकी जो शार्पनेस है, उसका जो नुकीलापन है वो रहता है। मतलब चीज खराब हो चुकी है, जंग लग चुकी है, तब भी वो यूजफुल है, तब भी वो काम आ रही है, तो हम बोलेंगे उसके लिए रस्टी नीडल। अब नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है बैक टू साल्ट, बैक टू सॉल्ट माइन। बैक टू सॉल्ट माइन, इसका मतलब होता है अनचाहे काम पे वापस लौटना, अनचाहे काम पर वापस लौटना। इसका इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन आप समझ लीजिए। यू आर रिज्यूमिंग वर्क दैट यू डोंट फाइंड वेरी अपीलिंग एंड इम्प्लीकेशन एंड द वर्क रिक्वायर्स लॉन्ग बोरिंग आवर। आप वो काम दोबारा करने जा रहे हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है और उसमें आप बोर होते हो। तो इसका एक सेंटेंस आप समझ लीजिए। आफ्टर दिवाली वेकेशन स्टूडेंट्स वर गोइंग बैक टू द सॉल्ट माइन एज दे हैव टू अटेंड लॉन्ग बोरिंग लेक्चर्स अगेन। दिवाली की छुट्टियों के बाद में स्टूडेंट जो है बैक टू सॉल्ट माइन जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर से वो बोरिंग लेक्चर्स अटेंड करने हैं। अब मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताऊंगा कि इसकी हिस्ट्री क्या है। इन सर्बिया मेनी ईयर्स अगो प्रिजनर्स वर फोर्स टू ब्रिंग सॉल्ट फ्रॉम डीप अंडर वाटर सी टू द सरफेस। ये एक्चुअली इसमें बताया गया है कि सर्बिया में जो कैदी लोगों को सजा दी जाती थी उसमें क्या होता था कि समुद्र के पास में से काफी मुश्किल हालातों में सॉल्ट पाए जाते थे माइन में, तो उन मुश्किल हालातों में, उन मुश्किल माइन से कैदियों से नमक निकाला जाता था। तो उस बोरिंग और डिफिकल्ट टास्क को हम बोलेंगे बैक टू सॉल्ट माइन, अनचाहे काम पर वापस लौटना।